वाओ, इस साल एनुअल प्ले के लिए शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट हो रहा है। मैं तो जूलियट ही प्ले करूंगी। जूलियट मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, पता है? और तुम्हारा रोमियो? क्या पता? रोमियो एक्चुअली कोई ऐसा होना चाहिए जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन दे। वो लूजर टाइप नहीं जो फालतू में यू नो एटीट्यूड दिखाए, स्टाइल दिखाए। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है रोमियो की? रोमियो ऐसा होना चाहिए जो प्यार के लिए अपनी जान दे सके, बिकॉज ये प्ले एक ट्रेजेडी है। और काश ट्रेजेडी नहीं होता। क्यों नहीं? पता है ना, असल जिंदगी में सारी लव स्टोरी ट्रेजेडी ही होती है। ये तो सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं वो हैप्पीली एवर आफ्टर एंड ऑल दैट। ट्रेजेडी या फॉरएवर रोमियो जूलियट के हाथ में था। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं रोमियो की तरह हार नहीं मानता, बल्कि अपने प्यार के लिए लड़ता, उसे पाके रहता। रोमियो मैं बनूंगा। तुम खुद उठाओगी या मैं मदद करूं? मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। और वो क्या है ना कि आजकल की लड़कियों की मदद करो ना तो थैंक यू की जगह चप्पल या थप्पड़ मिलता है। नेक्स्ट जूलियट। नेक्स्ट Next. भाई, ये रोमियो बनने के बड़े मन में क्या बोलता है? फिर के ले गया इसके चल। ओ यारा, ये जो डायरेक्टर है ना, इसको इम्प्रोवाइजेशन बहुत पसंद है। क्या बात कर रहा है? हाँ, अगर कोई रटी हुई लाइन से बोलता है ना तो ये चिढ़ जाता है। हाँ हाँ, अरे मैंने इसके साथ पहले काम किया है ना। हाँ, ये राज की बात है, किसी को नहीं बताना। नहीं, नहीं, नेक्स्ट।